भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर एबीवीपी, संस्कृति बचाओ मंच, करणी सेना सहित कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और रेड क्लिफ स्कूल के बाहर आरोपी कासिम रेहान का पुतला जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी की सजा और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी और बाल विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा है कि स्कूल को सील कर दिया गया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीचर को हटाने की मांग हो रही है, आप लोग जांच करने आए? अभी जांच करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी कहां तक जांच की है? कुछ अभी शुरुआत की है, आज जो समिति गठित की गई है उसी में हम लोग मेंबर। और बच्चे जो अंदर पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो आज तो सारे बच्चे बाहर निकाल दिए गए हैं, अभी बात करते हैं प्रशासन, ऊपर भी चर्चा करते हैं। और सील कर दिया गया है? हाँ, सील कर दिया।